हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑफिशियल प्रॉपर्टी कलाकार में फिर से एक ब्यूटीफुल, बेहतरीन और एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों। ऑन डिमांड ये जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, ये ऑन डिमांड है आप लोगों के प्यार के लिए। मुझे एक कहीं ना कहीं मतलब ढूंढ के, मतलब बहुत गहराई में जाके, बहुत इधर उधर रिसर्च करने के बाद में ये प्रॉपर्टी मिली है आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि दोस्तों आप लोग मुझे बोलते रहते हैं कि सर स्टूडियो है, हमें लेना 1 BHK है, हमें लेना 2 BHK है, हम स्टूडियो नहीं लेना चाहते हैं। तो आज स्पेशली आप लोगों के लिए मैं रेंटल इनकम के हिसाब से 1 BHK की प्रॉपर्टी लेके आया हूं दोस्तों, वृंदावन के अंदर देवी आर्टिस्ट रोड पे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के मैंने बोल दिया है, अब मैं क्या करूं, आप लोग मतलब ऐसा क्या करूं जो आप लोग मेरी बातों को माने, क्योंकि देखो आपकी सारी बात हम मानते हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी लॉस नहीं है, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मैं आपको एक महीने के अंदर, अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको एक महीने के अंदर मैं अच्छी प्रॉपर्टी दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बट मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई कमीशन चाहिए, ना मुझसे आपसे कोई दलाली चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे चाहिए क्या, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए। जो आपकी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आप कम से कम कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को चाहिए क्या, कि हम चीजों को सही बना रहे हैं, चीजों को गलत कर रहे हैं, तो हमें एक आइडिया भी तो मिलेगा ना आप लोगों से, क्योंकि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सारे लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, और कोई ना कोई यूट्यूबर भी ये वीडियो देख रहा है जो वृंदावन में प्रॉपर्टीज की वीडियो बनाते हैं, कुछ भी है, तो हमें कुछ ना कुछ एडवाइस दें जिससे कि हम थोड़ा सा आगे जाएं और आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ हेल्प करते रहें। तो दोस्तों वाकई बिहारी जी लाल की जय बोलते हुए हम आगे चलते हैं, और वृंदावन के अंदर आज हम आपको 1 BHK की बेहतरीन प्रॉपर्टी देते हैं। सबसे पहले मैं, ये हमारा मेन गेट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये हमारा मेन गेट है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। क्लोज करने से क्या है कि हमें एक बार पूरा ओवरव्यू का पता चलेगा कि हमारा क्या क्या इसके अंदर मिलने वाला है। ये हमारे सोफा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर लेदर के सोफे आपको मिलने वाले, जिसकी कॉस्ट लमसम 40,000 रुपए कॉस्ट होती है। अगर आप बाहर मार्केट से खरीदेंगे तो 40,000 से कम के कॉस्टली नहीं मिलेंगे। उसके सामने एक छोटी सी स्मॉल टेबल आपको मिल रही है, जिसमें कि आप अपना वाटर वगैरह के लिए, देखो इतनी बड़ी टेबल नहीं है कि इसमें आप खाना वगैरह खाएं, बट इसमें आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। उसके भी फिर आप पीछे देखें तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स लगे हुए हैं। आप देखें, अगर वृंदावन के अंदर हैं तो कान्हा जी की नगरी के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें यहाँ पे हमारा राष्ट्र पक्षी मोर ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग देखो हमने कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन कर रखा है। और ये टोटल हैंडमेड है, मतलब मेड इन इंडिया चीज हमारे यहाँ पे सारी चीज लगी हो, मेड इन इंडिया है, हैंडमेड चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये हमारा किचन स्पेस है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक छोटा मिनी बार मिलता है, उसके साइड में आप देखें तो काफी अच्छा। ये मॉड्यूलर किचन हम आपको नहीं दे रहे हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि मॉड्यूलर किचन हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मॉड्यूलर किचन का एडिशनल अमाउंट जाता है 50,000-60,000 रुपए, वो आप हमें देंगे तो हम आपको मॉड्यूलर किचन करा के दे देंगे। दोस्तों 1 BHK की प्रॉपर्टी, अब आप लोग ये बोल रहे हो कि 1 BHK है तो बेडरूम तो एक ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, 1 BHK है, बट हम आपको आज 1 BHK की प्रॉपर्टी 2 BHK के कॉन्सेप्ट में देने वाले, मतलब 1 BHK कन्वर्ट 2 BHK, आप मतलब 1 BHK की प्रॉपर्टी में 2 BHK का आनंद ले सकते हैं। आज ऐसी प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए। तो दोस्तों ये हमारा बेडरूम है, जैसे आप देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा बेडरूम है, उसके पीछे LED लगी हुई है, और आप देखें मतलब बेडरूम बेड के बाद में भी स्पेस देखें, स्पेस आप देखें तो कितना स्पेस आपको यहां पे मिल रहा है, मतलब साइज काफी बड़ा है, काफी लंबा चौड़ा है। देखें आप, देखो आप पूरा देखें कितना अच्छा स्पेस आपको पूरे में खुला हुआ मिल रहा है, मतलब आपको स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेड डालने के बाद सोफा भी डले हुए हैं, उसके बाद यहां पे भी पूरा स्पेस बचा हुआ है, आप यहां पे अपनी डाइनिंग लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये देख सकते हैं पूरा। और ये हमारा है वॉशरूम, ये हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम के अपर साइड में हमने यहाँ पे अपना AC लगा रखा है। AC का रीजन यही है कि इसका जो पानी है वो हमारा सीधा वॉशरूम में जाए, इसलिए ये हमारा वॉशरूम है। आप देख सकते हैं वॉशरूम भी काफी स्पेसफुल है, जिसमें कि हम आपको गीजर लगा के दे रहे हैं, और अगर हम मटेरियल देखें तो मटेरियल भी काफी अच्छा लगा रखा है, जबकि वृंदावन में देखो खारा पानी है, खारे पानी की वजह से हमारी जंग लग जाती है यहाँ पे, पर अब देखें तो क्लियर, मतलब जंग भी नहीं लगी है, तो एक अच्छा मटेरियल यूज किया है हमने इसमें। आप देखें पॉट वगैरह देखें तो प्रॉपर हिंदवेयर के पॉट यहाँ पे लगा रखे हैं, प्रॉपर कंपनी का यहाँ पे मटेरियल सारा आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये हमारा वॉशरूम है छोटा सा, ठीक है, एक स्पेसफुल वॉशरूम आपको मिल जाता है। ये हमारा है मेन बेडरूम, ठीक है, वो तो हमने बेडरूम आपको एक कन्वर्ट है तो 2 BHK में, वैसे भी हमारा मेन बेडरूम ये है, जो कि आप देखें तो एक काफी स्पेसफुल बेडरूम आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखो एक और चीज, क्योंकि देखो आप लोग हमेशा आंख बीच के ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग बाहर से बैंगलोर, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई,
और जहां तक है यूएसए के क्लाइंट भी हमें कॉल करते हैं और उनका एक ही रहता है कि शिवम जी आपके हम जो वीडियो में देखते हैं वो चीज हमें मिलती है, वो ट्रस्ट हमने मार्केट में बना के रखा है, तो इसलिए मैं आपसे कोई चीज नहीं छुपाऊंगा। कैमरा है, कैमरा में देखो हर चीज छुपती है, बट हम आपसे कोई चीज नहीं छुपाएंगे। मेन प्रॉब्लम है सीलन का, जो कि सीलन की प्रॉब्लम की वजह से हमने देखो दोस्तों यहां पे ये पैनल लगा रखे हैं, क्योंकि दोस्तों देखो सीलन की प्रॉब्लम है उसमें वो चीज खराब दिखेगी। देखो आज ना कल, कल ना कल आपको देखो रेंटल के हिसाब से ये प्रॉपर्टी है, बट कल ना आज नहीं कल तो आपको कभी ना कभी तो यहाँ पे रहना है, तो क्या करते हैं यहाँ पे सीलन की प्रॉब्लम है, तो सीलन का एक ही सॉल्यूशन है, टाइल्स लगा दें, पीवीसी पैनल आप लगा दें, क्योंकि देखो सीलन है वृंदावन में, सीलन है तो है, उसमें कुछ नहीं, सीलन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, खारा पानी है और उसके लिए हमें सीलन हमें मिलती है। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें तो देखो सीलन आपको यहाँ पे है, सीलन को देखो आप कहीं पे भी कहीं ना कहीं आपको छुपाने का कोई ऐसा बात ही नहीं, सीलन तो है, तो बट सीलन का एक ही सॉल्यूशन है कि हमने इसमें हम उसको कैसे रोक सकते हैं, तो हमने ये अपने पैनल लगा दिए हैं पूरे में, जिससे कि हमारा एक सेफ्टी रहे और प्रॉपर्टी हमारी एक मजबूत तरीके से बनी रहे। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे मेन चीज की, देखो अभी तो आपको रहना नहीं है, पहली बात तो ये, अगर आप प्रॉपर्टी कल को इसको परचेस करते हैं तो आप अभी रहोगे नहीं, क्योंकि रेंटल पर्पज के हिसाब से प्रॉपर्टी है हमारे पास में। दूसरी चीज ये है कि अगर आप चाहें कि नहीं सर हमें तो रहना है भाई, हमें कोई रेंट नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन में वास करना है, और जब हम जाएं अपना लॉक लगा के जाएं, जब हम आए अपना लॉक खोलें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, कंपनी आपसे मेंटेनेंस लेगी और आपकी प्रॉपर्टी को आप जब आए आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो इन्वेस्टमेंट करना है जी, मुझे वृंदावन में एक इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कोई एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, जैसे देखो शेयर मार्केटिंग में हम कोई स्टॉक खरीदते हैं, आज हमने 5 लाख 10 लाख 15 लाख के कोई स्टॉक खरीदे किसी भी कंपनी के XYZ, उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि 2-3 साल में हमें वहां से एक अच्छा इंटरेस्ट रिटर्न मिले। रिटर्न देखो 100% का रिटर्न तो वो बाई चांस है, कभी कभी हो सकता है, एक जेन्युइन में बोलो जुआ में तो देखो आप उम्मीद कर सकते हैं 1 रुपए की चीज 100 रुपए बन जाए, वो जुआ होता है, उसमें चांस भी 1% होता है, और जिसमें हमें चांस सही रहता है 50-40% का या 30% का चांस रहता है, वो ये प्रॉपर्टी है जिसमें कि आप 30 महीने बाद जो हमारा पहला जो एग्रीमेंट होगा वो 30 महीने का होगा। अगर 30 महीने बाद इस प्रॉपर्टी का अगर आप रेट जानोगे ना सर, तो आपका आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि आज से ज्यादा नहीं 6 महीने पहले ही 31 लाख की ये प्रॉपर्टी थी, उससे 1 साल पहले 26 लाख की ये प्रॉपर्टी थी, उससे 2 साल पहले 22 लाख की ये प्रॉपर्टी थी, तो आज की डेट में इसका जो प्राइस है वो 35,25,000 इसका प्राइस है, आप लगा लीजिए इतना प्राइस इसमें बढ़ रहा है, और उसका वर्थ है, ऐसा नहीं कि अनवर्थ नहीं मांग रहे, उसका वर्थ है, 35 लाख की प्रॉपर्टी है और उतना डिजर्व करती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मैंने स्पेशली ऑन डिमांड के लिए लिया हूं, क्योंकि कुछ लोग नाराज भी होंगे कि सर हमने बीच में आपको कॉल भी किया था, उस टाइम पे आपने 1BH का बताया था, है ही नहीं है, 2BH का है ही नहीं है, तो सर मैं माफी चाहता हूं, उस टाइम पे मेरे पास थे नहीं, हकीकत में नहीं थे। देखो अब मैं स्पेशली जिन लोगों को हमने ये सेल कराए थे 2-2, 3-3 साल पहले, अब उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया, सर देखो आपने रेंट कमा लिया, पैसे आ गए, अब आप पूरी दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, और आपको यहां से भी हम कुछ ना कुछ फायदा करा रहे हैं, जिसने 31 का लिया होगा आज वो 35 का जो मार्केट प्राइस है, देखो इसमें वो ज्यादा नहीं बेच सकता है ना वो कम सेल कर सकता है, क्योंकि कंपनी का प्राइस इस टाइम पे 35-25 है, तो वही प्राइस में वो हम उनसे ले रहे हैं और आपको हम डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन्होंने भी फायदा उठाया है, अब आप भी कुछ दिन फायदा उठाएं, आप भी 30 महीने के बाद आप इसको 40-42-45 लाख में सेल करें ऐसे करके, क्योंकि देखो वृंदावन में दोस्तों अभी प्रॉपर्टी का बाउंस चल रहा है, ये मजाक नहीं है। देखो लोग कुछ लोग तो देखो कमेंट में ये भी लिखेंगे, अरे वृंदावन ऐसा नहीं है कि वृंदावन में दिल्ली फेल हो गया, सर ये वृंदावन है दिल्ली नहीं है, वृंदावन है बिहारी जी की नगरी है, यहां पे जमीन को लोग जमीन नहीं मानते, यहां पे परिक्रमा मार्ग है, हम यहां पे भी खड़े हुए हैं ना, ये भी हमारा परिक्रमा मार्ग में इंक्लूड होता है, मतलब वृंदावन एक ब्रज है जहां पे लोग तरसते हैं, ब्रज मतलब ब्रजवासी बनने के लिए लोग तरसते हैं कि हमें कैसे भी वास मिल जाए, तो आप ये मत सोचो कि वृंदावन में यहां पे पैसे की कीमत नहीं है, यहां पे लोगों की कीमत है, यहां पे अगर आप कल को कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो ना दिल्ली में, आप अगर इधर उधर हो जाते हो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, यहां पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, अगर आप रोड पे खड़े हो जाओगे 10 लोग आके पूछेंगे कि भैया क्या प्रॉब्लम हो गई आपको, ये ब्रजवासियों की एक पहचान है, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ब्रज में बसना बहुत बड़ी खुश की किस्मत की बात होती है, जिसमें बिहारी जी की कृपा हो जाए वही वास कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता यहां पे, तो आप ये मत सोचें, कमेंट में कुछ लोग लिखेंगे कि भैया ऐसा नहीं, अरे इतना कहां होता है प्राइस, इतना क्या, भैया प्राइस यही है, आपको नहीं लेना है, देखो जो कमेंट उल्टे सीधे करेगा, जो बात उल्टी सीधी करेगा, उसका ऑब्वियसली उसको लेना ही नहीं है, जो लेने वाला बंदा होगा वो इतना नेगेटिव नहीं होगा, पहली बात तो इतना इस तरीके से बात नहीं करेगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं
प्रॉपर्टी का प्राइस है उतना, प्रॉपर्टी डिजर्व करती है इसलिए इतना महंगा मिल रहा है, अदरवाइज ये दुनिया पागल नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है कि 35-40 लाख रुपए ऐसे ही डाल देगा, उसको पता चलेगा और लोगों को सेल भी कराएं। रिसेंट में आज के दिन, मतलब आज के दिन 9 तारीख है, आज के दिन मैंने वीडियो बनाने से पहले 1 BHK की बुकिंग कराई है अभी, और रेट यही है 35-25 में कराई है। अब चाहें तो कस्टमर से कॉल करके पूछ सकते हैं, अगर आप जो चाहें मैं कॉन्टेक्ट आपको दे सकता हूं। तो दोस्तों रीजनेबल प्राइस हम आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि आपको हम बढ़ा के बता रहे हैं, जो हमारा प्राइस चलता है वही हम देते हैं। जैसे स्टूडियो का प्राइस देखो 20.5, 20 और 21 लाख है, वो प्राइस अभी चल रहा है, महीने एक महीने बाद या 15 दिन बाद, क्योंकि 2-3 यूनिट बची हुई है वो बिकते, बिकने के बाद 23 लाख उसका हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली है, आप ये बताइए वो प्रॉपर्टी, जैसे आज आपने प्रॉपर्टी ली तो कम से कम आप यही तो चाहोगे कि सर कम से कम मुझे कुछ ना कुछ फायदा हो, जभी तो आप आगे लोगे कि शिवम जी देखो मैंने तो 21 में ली थी, अब उसको 21 में ही सेल कराओगे क्या, फिर क्या फायदा हुआ। तो इसलिए दोस्तों प्रॉपर्टी में हम जिसको प्रॉपर्टी दिलाते हैं उसको फायदा भी कराते हैं, और आगे वाले टाइम में भी अगर आप भी हमसे कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे ना तो आपको भी फायदा कराएंगे। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको रेंटल इनकम ही यहां से लो, अगर आपको रेंट नहीं चाहिए तो आप महीने 6 महीने इसको होल्ड करो, आज आपको 35 का मिल रहा है, 35-25 का मिल रहा है, एक साल बाद बेच दो, 40 का बेच दो, 45 का बेच दो, जिस क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो उस टाइम पे सर जो आप मांगोगे वो कस्टमर देता है, क्योंकि कस्टमर को पसंद चीज आनी चाहिए। देखो रोड ये रहा, मतलब ये हमारा BIP सॉफोटा मेन देवी आर्टस वाला रोड है, आप लगा सकते हैं ये मेन रोड पे प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल है वृंदावन के अंदर, तो उस रोड पे हम ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं। इसके अंदर फैसिलिटी की बात करें, प्रॉपर्टी के अंदर स्विमिंग पूल, पार्क, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, सारी चीज मतलब इसके अंदर उपलब्ध है, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप आए फैमिली टूर अपना अपनी प्रॉपर्टी के अंदर बना सकते हैं, ऐसी ये प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑफर है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, 1-2 यूनिट में आप लोगों के लिए निकाल के लेके आया हूं, तो प्लीज ये भी मेरे हाथों से नान चली जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 35-40 लाख के बीच का, तो एक अच्छा प्राइस है और अच्छी डील है और आप यहां पे कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक फ्लेक्सिबल भी प्लान है हमारे पास में, जैसे आप चाहें कि नहीं सर मेरे पास में इतना अमाउंट नहीं है, तो आप 25-25% में 4 टुकड़ों में पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो टाइम दिया जाएगा वो, बट आपको करना है 30 महीने के अंदर ही, क्योंकि जो हमारा एग्रीमेंट होगा वो 30 महीने का होगा। आप चाहें आप ये सोचें कि नहीं सर मैं तो आज 25% करा रहा हूं, 2 साल बाद फिर 25 कराऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपने आज 25 कराया, 25% में आपका एग्रीमेंट हो जाएगा कि वी रिसीव्ड 25,000 रुपीज एंड वी विल पे यू एवरी मंथ 25,000 रुपीज एंड विल कट 2,000 रुपीज फॉर मेंटेनेंस, ये अमाउंट आपका कट होके और आपको 23,000 रुपए हर महीने हम आपको दे देंगे, मतलब एक 25% का मैं एक बता के चल रहा हूं आपको। तो 25% आप अमाउंट इसमें करें, 25% अमाउंट के बाद में फिर आप महीने 2 महीने में 3 महीने फिर 25% करें, फिर हम आपका 50% का एग्रीमेंट बना देंगे, फिर आपने 25% किया फिर हम आपका 75% का एग्रीमेंट बना देंगे। तो ये भी है कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप फ्लेक्सिबल प्लान में भी जा सकते हैं, बट फ्लेक्सिबल प्लान में जो टाइम है मैक्सिमम टाइम है 30 महीने के अंडर में ही आपको पेमेंट वो करनी पड़ेगी। अगर आप अपना रेंट स्टार्ट कराना चाहते हैं, जैसे आपने आज बुकिंग की 25% थे और आपने बोला सर मेरा रेंट स्टार्ट करा दीजिए, तो 25% का आपका रेंट स्टार्ट हो जाएगा, बट वो आपका जो 30 महीने कटेंगे उसमें से ही, आपने 3 महीने 25% का यूज किया, वो आपके 30 महीने में से कट के 27 महीने रह जाएंगे, फिर आपने 25% और दिया, फिर आपने 7 महीने यूज किए, फिर आपके 20 महीने रह जाएंगे, बट आपको टोटल 30 महीने ही मिलेगा जो पहला एग्रीमेंट होगा। दूसरा एग्रीमेंट डिपेंड ऑफ द सिचुएशन, जो रहेगा उस टाइम पे क्या प्राइस है और क्या कंपनी का कंडीशन है, सारी चीज वो 30 महीने के बाद एग्रीमेंट होगा, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम किसी भी चीज की गारंटी आपको अननेसेसरी नहीं दे सकते। दूसरी चीज यह है कि यह गारंटी है मेरी, आज अगर आपको इसको 35 लाख 25 हजार में प्रॉपर्टी मिल रही है, बट ये मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाले 30 महीने में इस प्रॉपर्टी का प्राइस कम से कम 45 लाख और 50 लाख के बीच में होगा, 101%, ये गारंटी है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी दिए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें, प्रॉपर्टी का प्राइस है 35 लाख 25 हजार, जिसमें रेंट आपको 35,250 रुपए एवरी मंथ मिलेगा, जिसमें मेंटेनेंस कट होगा 2,000 रुपए हर महीने, और जैसी आपको प्रॉपर्टी हम आज आपसे टेक ओवर करेंगे 30 महीने के लिए, ऐसी प्रॉपर्टी आपको 30 महीने के बाद डिलीवर करेंगे विद ऑल द फैसिलिटीज। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।